मैं प्रियंका पोल, मिसेस यूनिवर्स 2017, और आज मैं झेलम फैशन हाउस में आई हूँ। जैसे कि सभी का मानना है, औरतों को दो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, एक तो अच्छे कपड़े और एक अच्छे ज्वेलरी। और आज मैं उस छत के नीचे हूँ जहाँ पे झेलम ने अपने इंडियन अटायर डिस्प्ले किए हुए हैं, और सुनीता गुप्ता जिनकी फैशन डिज़ाइनिंग डायमंड ज्वेलरी है। ये दोनों ही बहुत ही काबिल औरतें हैं, और मेरे को मालूम है ये दोनों बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने वो पॉइंट पकड़ा है जो सब औरतों का वीकनेस है। झेलम के बहुत सारे यहाँ पे आउटलेट्स हैं, और ये जो आउटलेट आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शंस हैं, जो कि मुझे मालूम है सभी औरतों को बहुत भाएंगे। और मेरे साथ सुनीता गुप्ता जी भी है, जिनकी ज्वेलरी मैं पिछले 15 साल 20 साल से पहन रही हूँ। इनकी ज्वेलरी वैसी है कि अगर आप एक बार पहनेंगे तो आप किसी और की ज्वेलरी पहनेंगे नहीं। आज 23 साल से वो अपनी ज्वेलरी शोकेस कर रही है, जो बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़, इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन को भी वो उनके क्लाइंट्स हुए हैं। तो आज इस छत के नीचे दो जन हैं जिसके लिए आप किधर और जाने की ज़रूरत नहीं है। गेट द ड्रेस फ्रॉम हर, गेट द ज्वेलरी फ्रॉम हर। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम इन सच अ प्लेस टुडे। थैंक यू। Hello everyone, this is Jhelum here, and we are at our summer festival edit 2 this season at my store in Mumbai at Santa Cruz. I'm very very happy on this occasion to present couture by Sangeeta Keelachand and fine jewelry by Sunita Gupta, who's right here next to me. I think both these women have beautiful talent. I see beautiful marodi work on all these very very traditionally made outfits. I think reviving traditions and old art is what Indian fashion designers are all about, and Sangeeta is exactly showcasing that. I'm very very happy to showcase this collection. And of course, I mean, what can I say about Sunita? She has been designing fine jewelry for the last 25 years. I am proud to present her jewelry at the store today. Each and every piece looks magnificent. I am wearing one of her collections as well. Very very stylish, very very unique, just like her. Sunita, some words. As Jhelum has put it very correctly, that I am into this field from 25 years, but I'm so happy to do this event with Jhelum, who's such a great person, and of course with Sangeeta Keelachand, who has revived this very, very beautiful art. And we are looking forward to much more events like these and want to get into more of stuff with Jhelum, who's a very, very, very talented girl. And my dearest Priyanka, who's here with us and is helping us to डू अलॉट। मैं हूँ लास्ट 23 साल से ज्वेलरी डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, जो मेरी पैशन है। मुझे डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगती है। आज मैं यहाँ झेलम मल्टी डिज़ाइनर स्टोर पर शोकेस कर रही हूँ, बिकॉज आज के तारीख में लोगों को बीस्पोक ज्वेलरी चाहिए, और वो देखते हैं कि डिज़ाइंस यूनिक हों और डिफरेंट हों, इसलिए मुझे अप्रोच किया जाता है। ज्वेलरी आपको यहाँ ज़्यादातर फ्यूजन, मोर क्लासिक, मोर टू वेयर मिलेगी, जिसे आप बहुत आसानी से पहन सकते हैं, अलग तरीके से पहन सकते हैं। जो आज की लड़कियाँ, औरतें सब देखती हैं कि हर चीज़ हम अलग अलग तरीके से पहने, थोड़ा सा डिफरेंट हो, थोड़ा हमारे लिए हो। हमारी जो बीस्पोक ज्वेलरी है, वो इसमें स्पेशलाइज़ करती है कि वो देखती है कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। जो आपकी पर्सनालिटी है, उसको हम मिलता जुलता, जिसमें आपका कंफर्ट है, आप अपनी ज्वेलरी को पहनकर जो हमने बनाई है उसको रिप्रेजेंट करते हुए, कैरी करते हुए आप फ्लॉलेसली मूव कर सकते हैं। तो आज जो हम शोकेस करें, वो है बहुत सारी ट्रेडिशनल ज्वेलरी जो शादियों में होती है, और बहुत सारी डेली वेयर मल्टी फंक्शनल ज्वेलरी जो डायमंड्स में है, जो आप हर फंक्शन के लिए पहन सकते हैं, चाहे एक डिनर हो, चाहे एक डे टू डे हो, और चाहे कोई ओकेजन हो। तो हमारा क्रिएशन किसी भी टारगेट को नहीं है, हम हर लेडी के साथ जो पहनना चाहते हैं उनके साथ काम करना चाहते हैं। ऑर्नामेंट आज जो यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है, उसके बारे में
करके ये ऑर्नामेंट यहाँ पे इस स्कूल से लेके आया है। सी आज जो चल रही है वो ज़्यादातर ये स्ट्रिंग्स चल रही हैं जो आज आप कहीं भी पहन सकते हैं। आप एक डिनर डेट पे पहन सकते हैं, आप कहीं भी पहन सकते हैं। जैसे मैंने पहना है ये फ्यूजन की रिंग है, ये रिंग आप एक मैंने वेस्टर्न के साथ पहनी है, आप इंडियन के साथ पहनी है, आप कहीं भी पहनी है। सो आज जो हम देख रहे हैं इस लाइक वेयरिंग ऑफ द ज्वेलरी एनी वेयर एंड एवरीवेयर। मैंने आपको यही कहा कि हम बी स्पोक ज्वेलरी में स्पेशलाइज करते हैं, जिसका मतलब है हम आपसे मिलते हैं, आपकी पर्सनालिटी टाइप को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम आपके लिए डिज़ाइन करते हैं। आप एक अगर ज्वेलरी स्टोर पे जाते हैं तो आपके पास जो रेडी है आपको वही पहनना पड़ता है, वो आपको नहीं समझते, वो आपकी पर्सनैलिटी को नहीं समझते। और जब तक वो चीज़ आपके लिए नहीं बनाई गई तो वो स्पेशल कैसी है? स्पेशलाइजेशन इसी चीज़ में है कि वो सिर्फ आपके लिए और आपके लिए बनती है। और कब से ये जर्नी शुरू हुई और हम यहाँ तक पहुँचे और कितने चैलेंजेस पहले उतार-चढ़ाव? मुझे ये करते हुए आज 23 इयर्स हो गए हैं। ये स्टार्ट हुई व्हेन आई मैरिड माय हस्बैंड मिस्टर पुनीत गुप्ता हु इज़ इनटू डायमंड इंडस्ट्री। उन्होंने और हमने ये मिलके सोचा कि लेट्स डू समथिंग डिफरेंट। तो उन्होंने कहा कि आपका पैशन है ज्वेलरी का तो आप ये स्टार्ट कीजिए। डिफ़िकल्टीज ऑफ़ कोर्स बहुत है, बिकॉज बहुत सारे लोग जैसे आपने कहा कि है इधर, तो हमको अपने आप को कुछ डिफरेंट करना था। डिफरेंट तो क्या करेंगे हम? डिफरेंट हम ये करेंगे कि हम आपसे आपको जानकर हम आपके लिए कुछ बनाएंगे। उस वजह से मेरे पास आज हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, हमारे टीवी इंडस्ट्री के लोग हैं, मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड्स हैं, सब लोग हैं। आई एम गोइंग टू बी नाउ पार्टिसिपेटिंग इन लक्ष्मी फैशन वर्ल्ड विद टॉप डिज़ाइनर्स। टुडे आई एम डूइंग विद दिस डिज़ाइनर स्टोर एंड लॉट ऑफ डिज़ाइनर स्टोर्स आर अप्रोचिंग मी। द जर्नी वॉज नेवर ईजी एंड जर्नी इज़ नेवर ईजी, बट आई हैव बीन ब्लेस्ड बाई अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल वेरीड फील्ड हु हैव सपोर्टेड मी, येस, विद अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मैं बॉलीवुड से ज़्यादा अपनी बहुत ही डियर फ्रेंड एलियोना कपूर, जो शेफ संजीव कपूर की वाइफ हैं, उनके बारे में कहूँगी, बिकॉज शी वो मेरे साथ तब से रही जब मैंने स्टार्ट किया। वो आज नहीं आ पाई क्योंकि वो बाहर हैं, बट वो मेरे जर्नी में हर टाइम पर रही हैं। फिर मेरे अपने नीस कुणाल जयसिंह हैं, जिनकी वाइफ को मैं के लिए डिज़ाइन करती हूँ। सो ऐसे मतलब मेरे अपने प्यारे लोग इतने हैं कि जिनके बारे में, एलियोना स्पेशली हैज़ बीन विद मी ऑल थ्रू। और चलते चलते आपके सवाल सूत्रों से जानकारी मिली है कि आप अपने बच्चों को भी फील्ड में लाना चाहती हैं? यस, मैं अपनी बेटी अश्मिका गुप्ता को इस फील्ड में लाना चाहती हूँ, जो आज भी मेरे साथ है। आज तो वो मेरे बनाई हुई ज्वेलरी पहन रही है, लाइक आई सेड द सेम स्ट्रिंग्स विच आर डूइंग सो ब्यूटीफुली दीज डेज। मुझे ऑफकोर्स अपनी मम्मा का सबसे ज़्यादा पसंद आता है। मॉम की लाइन की स्पेशलिटी ही ये है कि वो आप सोचते हो कुछ और वो एग्जैक्टली वही आपको दे देती है, और आप उससे बेटर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी ज्वेलरी में? और आप जो पहनते हो अगर आपको रिप्रेजेंट करता है तो उससे बेटर डिज़ाइनर क्या हो सकता है? तो आप भी इस इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहे हैं, क्या कुछ डिफरेंट आप लेकर आ रही हैं? हाँ जी। और किस टाइप के यूथ को आप टारगेट करने वाले हैं? तो मैं जब इंडस्ट्री में अभी आ रही हूँ, मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि डायमंड रियल ज्वेलरी जो है, हमारा यूथ उसे एक बहुत हाई प्रोफाइल या इन्वेस्टमेंट मानता है। और मैं वापस लाना चाहती हूँ उस मोड पे कि हर रोज़ फेक ज्वेलरी पहनने की जगह वो वापस से ज्वेलरी ऑफिसेज या पार्टीज, यहाँ तक कि अगर इंसान मूवी पे जाए, मैं चाहती हूँ वो एक रियल डायमंड ज्वेलरी पीस पहन के जाए। तो मैं अपने ही यूथ को, ऑफिस गोअर्स को,
या किसी को भी, चाहे एक भाई अपनी बहन को कुछ गिफ्ट कर रहा है, या एक बेटी अपनी मॉम के लिए कुछ ले रही है, या एक कॉलेज गोअर खुद के लिए कुछ ले रही है, मैं उन सबको टारगेट करना चाहती हूँ। डिफ़िकल्टी तो ऑफ कोर्स है, मम्मा पापा इंडस्ट्री में हैं, वो एक बहुत बड़ा बून है, इसलिए मैं इस इंडस्ट्री में बड़ी हुई हूँ तो मैं टेक्निकलिटीज़ जानती हूँ, पर आज की इकोनॉमी में बहुत डिफ़िकल्ट है ज्वेलरी को आगे बढ़ाना, तो आजकल वो डिफ़िकल्टी है। और जैसे मम्मा ने बोला मैं एक वेबसाइट लॉन्च कर रही हूँ, तो अभी तक हम वो मोड पे नहीं पहुँचे हैं जहाँ आप ज्वेलरी वेबसाइट से बहुत खुशी से ख़रीद सकते हो, तो मैं वही चैलेंज फेस मेनली करने वाली हूँ और करूँगी कि लोगों को ज्वेलरी वेबसाइट से लेने का ट्रस्ट डेवलप करना है। इस इंडस्ट्री में मैं यूथ को रीजनेबल नई ज्वेलरी, बहुत मॉडर्न डिज़ाइंस प्रेजेंट करना चाहती हूँ। जैसे एक और रियल ज्वेलरी का लोगों को दिमाग में हमेशा रहता है वो शादी के लिए है, ज्वेलरी सिर्फ शादी के लिए नहीं है, आप जो डिज़ाइन चाहे रोज़ के लिए हो सकता है, बहुत इजी टू वेयर सिंपल ज्वेलरी भी हो सकती है इन अ वेरी मॉडर्न सेंस। हाँ जी, हाँ हाँ, आजकल बहुत सारे ज्वेलरी डिज़ाइन कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं जो बहुत इजीली अवेलेबल है लो रेट्स पे। उसके साथ साथ आप ऑनलाइन जाइए, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स बहुत है ऑन ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी मेकिंग, यहाँ तक कि मेटलर्जी पे भी ज्वेलरी डिज़ाइन के बारे में सब है। अब चाहे फैक्ट्री आउटलेट्स को देख लीजिए या हैंडमेड ज्वेलरी कैसे बनती है फ्रॉम पेपर टू द कारीगर के वर्कशॉप्स जो होते हैं, सब यूट्यूब पे मिल जाता है, इंसान बहुत लर्न कर सकता है। तो मेरे हिसाब से यूट्यूब से बेटर टीचर तो नहीं है कोई। थैंक यू।